हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं और इस नए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज, चार्ज क्या है यह हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि चार्ज जो है वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगर स्टेशनरी है तो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज अगर मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कोई चार्ज अगर अकेले है, स्टेशनरी है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यानी स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले इस चीज को देखा ओस्टेड ने। यह एक डेनिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 1820 में इन्होंने देखा था एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम महसूस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। यदि हम मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, तो यह महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक नीडल है वह डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन बताता है कि आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तो मूविंग चार्जेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो, इसका मतलब क्या है कि चार्ज उसमें मूव कर रहा होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, मूविंग चार्ज है, और उसके कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि एक एक्सपेरिमेंट कि यह एक कोई बोर्ड है, कोई कार्डबोर्ड हो सकता है, और इस कार्डबोर्ड के आर पार एक रॉड रखा हुआ है, और इस रॉड को हम यदि बैटरी से जोड़ दें, यह रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और इस कंडक्टिंग रॉड को यदि एक कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ दें और बैटरी लगा दें, तो ऐसा, और इस पर कुछ आयरन पार्टिकल्स, आयरन डस्ट स्प्रे कर दें, तो ये आयरन डस्ट जो स्प्रे किया हुआ है इरेगुलर फैशन में, वे रेगुलर फैशन में सज जाते हैं, वे सर्कुलर फॉर्म में सज जाते हैं, ये ऐसे सज जाते हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स को रख दें या आयरन डस्ट को रख दें, तो यह महसूस करेंगे कि यह सर्कुलर लूप बनाते हुए अरेंज हो गया है। तो ओस्टेड ने सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंट देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर के आसपास यदि हम मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, अर्थात वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस बात को दिखाता है मैग्नेटिक नीडल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है, होता है। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के विषय में। लॉरेंज फोर्स क्या है, इसको अब हम लोग देखें।
लॉरेंज फोर्स। यह क्या होता है कि यदि कोई चार्ज क्यू है और इस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा जाए और उसको प्रोजेक्ट किया जाए, तो यह देखा जाता है कि इस पर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम दिखाते हैं, लिखेंगे भी कि F इज इक्वल टू QE प्लस QB क्रॉस B। यहां QE इलेक्ट्रिक फोर्स है, QB क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स है और इन दोनों फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है इस फोर्स को हम कहते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट लॉरेंज के नाम पर लॉरेंज फोर्स इसका नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू इज प्रोजेक्टेड इन ए कंबाइंड फील्ड ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल टू QE प्लस QB क्रॉस B। दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, विच मीन्स दैट लॉरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो लेट अस राइट इफ ए पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स देन इट एक्सपीरियंसेज ए फोर्स called Lorentz force। Lorentz force is a combination of electric force and मैग्नेटिक फोर्स। यह लॉरेंज फोर्स जो है यह इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है। अब हम बताएंगे इस इलेक्ट्रिक फोर्स से आप पहले से परिचित हैं, हम आज आपको बताएंगे कि यह मैग्नेटिक फोर्स QB क्रॉस B क्या है, इससे हम आपको परिचित कराते हैं और यह कैसे काम करता है, यह कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, हम आपको इससे परिचित कराते हैं। अब ये देखें कि मैग्नेटिक फोर्स है क्या। इफ ए पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू is projected in a magnetic field B with velocity V, then the magnetic force experienced
बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय एफ, अगर इसको मैग्नेटिक फोर्स लिखें, इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। इसको हम एफ एम लिखे हैं आपको केवल जस्ट याद रखवाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि यह मैग्नेटिक फोर्स है। जब हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना होगा तो हम एफ ई से इसको इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। अभी यह इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अर्थात मैग्नेटिक फोर्स इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक एंड बी। बी और बी का यह क्रॉस प्रोडक्ट है क्यू से मल्टीप्लाई कर। तो बी और क्रॉस बी, क्रॉस बी आप जानते हैं कि एक क्रॉस बी जब हम बोलते हैं तो एक क्रॉस बी का डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, साथ साथ ए बी दोनों के, माने ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो उसी तरह से इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या बी और बी दोनों के डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे बी के भी परपेंडिकुलर होगा, कैसे बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो हम देखें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसका डायरेक्शन हम बुक्स में बहुत तरह का डायरेक्शन का मेथड बताया है, लिखा है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे जनरली वेक्टर रूल का। मैथमेटिकल एस्पेक्ट लेकर चलते हैं और वेक्टर रूल का करने में आपको सहूलियत होगी। वैसे हम सबसे पहले लिखते हैं पहला वेक्टर रूल, वेक्टर रूल से हम करेंगे डायरेक्शन निकालेंगे। दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तीसरा राइट हैंड पाम रूल नंबर टू, राइट हैंड पाम रूल नंबर टू। और फोर्थ राइट हैंड थंब रूल। हम इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हम वन बाय वन सभी को दिखा रहे हैं कि वन बाय वन इसको कैसे दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम वेक्टर रूल की बात करें, तो वेक्टर रूल में आपने पढ़ा होगा कि हम राइट हैंड मैक्सवेल स्क्यू लॉ का प्रयोग करते हैं वेक्टर रूल में। राइट हैंड मैक्सवेल्स एसक्यू रूल का प्रयोग करते हैं। ये क्या है कि सपोज कीजिए कि यह भी है, सपोज कीजिए कि यह वेलोसिटी वेक्टर को हम इस पेन के द्वारा दिखा रहे हैं। ग्रीन पेन के द्वारा हम वेलोसिटी बी को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी को दिखा रहे हैं। तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा कि राइट हैंड से बी क्रॉस बी निकालना है। यह बी है, यह बी है, बी को बी की ओर घुमाइए। जैसे स्क्रू को हम खोलते हैं, बी को बी की ओर घुमा रहे हैं, तो भी को बी की ओर घुमाएंगे तो यह नट खुलेगा, और खुलेगा तो हमारी ओर आएगा, खुलेगा तो मेरी ओर आएगा, अगर बंद करेंगे तो आपकी ओर जाएगा। तो खुलेगा तो हमारी ओर आएगा, तो भी को बी की ओर घुमाएं तो स्क्रू खुल रहा है, इट सेम्स एज इफ इट इज अनस्क्रूइंग, खुल रहा है, खुलेगा तो हमारी ओर आएगा। तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन ये बी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, यह डायरेक्शन होगा। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं कि सपोज कीजिए कि इधर बी है
और इधर सपोज कीजिए कि बी है, तो भी क्रॉस भी को बी की ओर घुमाइए, इस डायरेक्शन में घुमाइए ऐसे, तो घुमाइएगा तो यह खुल रहा है, तो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा, तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, यानी भी के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, और इस बोर्ड के प्लेन से हमारी ओर टुवार्ड्स द व्यूअर, यह डायरेक्शन होगा बी क्रॉस बी का डायरेक्शन यह होगा। दूसरा उपाय देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बताएंगे, पहले हम राइट हैंड पाम रूल नंबर टू बता दे रहे हैं कि राइट हैंड पाम रूल नंबर कहता है क्या कि यह जो पाम है राइट हैंड का पाम, यह राइट हैंड है, तो राइट हैंड के पाम को हमने ऐसे रखा और यह अंगूठा यदि बता रहा है भी और शेष फोर अंगुलियां जो है फिंगर्स बता रहे हैं बी, तो ये जो पाम है इस पाम का जो डायरेक्शन है यह बताएगा भी क्रॉस बी का डायरेक्शन, अर्थात यह बताएगा इसका डायरेक्शन इस इधर है। चाहे आप राइट हैंड थंब रूल का भी उपयोग कर सकते हैं, आप अपना दाहिने हाथ को भी पर रखिए और इसको इस एरो के डायरेक्शन में भी को बी की ओर आप मोड़िए, तो अंगूठे का जो डायरेक्शन है या थंब का जो डायरेक्शन होगा या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, यही थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक उसी तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम बता दे रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि आपका ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड में ये तीन उंगलियां जो हैं, ये फोर फिंगर कहलाता है, यह मिडिल फिंगर है और यह थंब है, इसको हमने ऐसे किया, तो अगर यह मिडिल फिंगर बताता है भी और फोर फिंगर बताता है बी, तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फोर्स, भी क्रॉस बी बराबर है फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स के, अगर भी बताता है यह उंगली, बी बताता है यह उंगली, तो बी बताएगा अंगूठा। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की भी बात करेंगे, आज बस हम इतना ही रहने देते हैं, इसी चीज को अगले वीडियो में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।